भारत में शादियों को 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग पति और पत्नी दोनों को पूरी जिंदगी साथ रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिनमें से तलाक सिर्फ 1% शादियों का ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 99% शादियों में लोग खुश हों। रिसर्च में कहा गया है कि दंपत्ति अगर अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है, पुरुषों में मौत का खतरा 19% तक बढ़ जाता है, उनमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 70% तक बढ़ जाता है। ऐसी शादियां जिसमें पति पत्नी खुश ना हो, वो वैवाहिक जीवन धूम्रपान जितनी ही खतरनाक होती है। आज भी हमारे समाज में बहुत सी शादियां जबरदस्ती चलाई जा रही हैं। पति और पत्नी के बीच अच्छे संबंध ना होते हुए भी बच्चे और परिवार के जिम्मेदारियों के वजह से दोनों अलग नहीं हो पाते। शादी एक निजी मामला है, लोग आज भी खुलकर अपने रिश्तों के बारे में बात नहीं कर पाते। भारतीय समाज में तलाक को आज भी सही नहीं माना जाता। तलाक के बाद घर छोड़कर जाने वाली महिलाओं की समाज में छवि अच्छी नहीं होती, उन्हें अपने परिवार में ही एक बोझ समझा जाता है। भारत में शादी सिर्फ पति पत्नी के बीच ही नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच भी होती है, और दोनों के अलग होने पर दो परिवारों का भी तलाक हो जाता है। सबसे पहले अपने रिश्तों के तनाव को दूर करें, कोशिश करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर फिर भी कुछ सही नहीं हो पा रहा हो तो एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से बेहतर है कि दोनों अलग हो जाएं, और दोनों परिवारों के साथ साथ हमारे समाज को भी ऐसे रिश्तों को स्वीकार करना चाहिए।